जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर एक रिसर्च हुई है हाल ही में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है कि जो डीएनए के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, यानी कि डीएनए के अंदर जो डिजीज होती हैं, जो जेनेटिक ट्रांसफर हो सकती हैं, उनको फाइंड आउट किया जाता है जेनेटिक सीक्वेंसिंग में और उनका इलाज किया जाता है। हाल ही में जो रिसर्च हुई है वो बताती है आधुनिक पौधों का प्रजनन करने के लिए आनुवंशिक उपयोग आवश्यक है। भले ही 2003 में पहली बार मानव जीनोम को डिकोड करने के बाद डीएनए सीक्वेंसिंग बहुत सस्ता हुआ, लेकिन फिर भी पूर्ण आनुवंशिक जानकारी एकत्र करना अभी भी पशुओं और पौधों के प्रजनन की लागत में एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो लग जाता है। इन लागतों को कम करने के लिए साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करी है हाल ही में।